Hello my dear students, in this video we'll do theme, summary, literary device and question answer of this poem. Poem 4, Childhood by Marcus Natten, class 11th. So student, we shall start with summary. Childhood poem by Marcus Natten is about loss of childhood. He talks about many instances when he could have lost his childhood. He talks about loss of innocence and faith even though he gained rational individuality. इस पोएम में जो पॉइंट है उसने इस ओर संकेत किया है कि उसका बचपन कब खोया. उसने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि हो सकता है उसका बचपन उस दौरान खो गया हो. उसका बचपन खो गया है और अब वो एक रैशनलिस्टिक इंडिविजुअल बन चुका है. रैशनल होता है बेटा जो सोच समझकर कार्य करता है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट है वो उदास है, वो खुश नहीं है. अब बात करते हैं इस पोएम की थीम की. दिस पोएम फोकस ऑन द थीम ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस. द पोएट मार्कस नैटन वंडर्स व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. इस पोएम की थीम है बचपन का खो जाना, लॉस ऑफ इनोसेंस, भोलेपन का खो जाना. और जो पोएट है मार्कस नैटन, वो इस बात में हैरान है कि कब और कहाँ उसका बचपन खो गया था. सो स्टूडेंट्स, नाउ एक नज़र डालिए बेटा पोएटिक डिवाइसेस पे, जिसको आप हिंदी में अलंकार कहते हैं. पहला पोएटिक डिवाइस है इसमें रैशनलिज्म. रैशनलिज्म होता है जब हम विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं. तो इस पोएम में रैशनलिज्म है. हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. अब पोएट को रियलाइज़ हो रहा है कि हेल और हेवन नहीं है ज्योग्राफी की बुक्स में, ये नहीं है. अब वो उसकी जो तर्क क्षमता है वो बढ़ चुकी है. रैशनलिज्म, हिपोक्रेसी. सेकेंड स्टैंजा में हिपोक्रेसी है. हिपोक्रेसी का मतलब होता है कहना कुछ और करना कुछ और. क्या हम कहते कुछ और हैं और हम करते कुछ और हैं, तो हम इसे हिपोक्रेसी कहते हैं. दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. इस लाइन में हिपोक्रेसी है. नेक्स्ट है बेटा इसमें इंडिविजुअलिटी. इंडिविजुअलिटी होता है जब इंसान खुद की विचारधारा के अनुसार कार्य करे, जब उसके खुद के विचार वो सोचने लगता है, अपने विचारों से कार्य करने लगता है. तो थर्ड स्टैंजा में इंडिविजुअलिटी है. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट ऑफ दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई अलोन. इन दो लाइन में इंडिविजुअलिटी है. अब बात करते हैं रिपीटेशन के. रिपीटेशन का मतलब होता है जब किसी पोयम में कोई शब्द, कोई वाक्यांश या कोई वाक्य रिपीट होता है किसी चीज़ को एम्फोसाइज करने के लिए, तो हम रेपिटेशन अलंकार उसको कहते हैं. रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस कहते हैं बेटा. फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ये लाइन काफ़ी रिपीट हो रही है. वाज दैट द डे, तो ये जो दो लाइन हैं ये काफ़ी रिपीट हो रही है पोएम में, तो इन दो लाइन्स में रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस है. नेक्स्ट है बेटा एंटीथीसिस. एंटीथीसिस होता है जब हम दो कॉन्ट्ररी आइडियाज़ को एक साथ रखते हैं, जब हम दो ऐसी चीज़ें जिनका अर्थ बिल्कुल विभिन्न होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, उनको जब हम साथ में रखते हैं तो एंटीथीसिस बनता है. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हैवन एंड हेल. अब जैसे ये हेल एंड हैवन है बेटा, ये अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट्री आइडियाज़ हैं, अपोजिट चीज़ें हैं. स्वर्ग और नर्ग आपस में अपोजिट वर्ड्स में आते हैं. तो इस प्रकार अगर अपोजिट आइडियाज़ को साथ में रखा गया हो तो हम एंटीथीसिस लिटरेरी डिवाइस कहते हैं. एलिट्रेशन होता है बेटा जब कंसोनेंट साउंड रिपीट होती है, तो हम एलिट्रेशन कहते हैं. आप हिंदी में कहते हो अनुप्रास अलंकार. विच एवर वे, डब्लू रिपीट हो रहा है, दैट दे द टाइम, इसमें टी जो कंसोनेंट है वो रिपीट हो रहा है, सो एलिट्रेशन. इन्वर्जन होता है बेटे जब हम वर्ड्स का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देते हैं. जब हम शब्दों को गलत ऑर्डर में यूज़ करेंगे, या हमारा जो शब्द जो सब्जेक्ट वर्ब का जो ऑर्डर है हम उसको जब अपोजिट कर देते हैं, तो हम कहेंगे इन्वर्जन. टू यूज़ विच एवर वे आई चूज, इस लाइन में इन्वर्जन है. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स राइम स्कीम की. तो हकीकत में इस पूरी पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, ये एक फ्री वर्स है. लेकिन फिर भी फर्स्ट स्टैंजा में एक राइम स्कीम है, वो है ए बी बी सी सी डी. फर्स्ट स्टैंजा की राइम है, राइम स्कीम है बेटा ये. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर नज़र डालते हैं स्टूडेंट्स. व्हेन डिड द पॉइंट रियलाइज दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, उसको कब लगा कि उसका बचपन खो गया है. 11
जब वो 11 साल का था, एज ऑफ 11। व्हाई इज़ एज ऑफ 11 इम्पॉर्टेंट? 11 साल की जो उम्र है वह इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस समय जो पॉइंट है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कल्पनाशीलता में और सच्चाई में, इमेजिनेशन एंड ट्रुथ में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। व्हेन डिड द पॉइंट रियलाइज हेल एंड हेवर आर इमेजिनरी? उसको कब लगा कि हेल एंड हेवर इमेजिनरी है? व्हेन ही डिड नॉट फाइंड दैट इन ज्योग्राफी बुक्स? जब उसको ज्योग्राफी बुक्स में ये हेल एंड हेवर नज़र नहीं आया तो उसको लगा कि ये हमारी कल्पना की देन है। Why is the poet worried? Because he has lost his childhood. What does poet feel about grown-ups? They do not act what they preach. जो grown-ups होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो नहीं करते जो वो कहते हैं। How are people of world? संसार के जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो हैं hypocrite. Hypocrite वही होता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। Sermon word हम प्रीच के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रीच का मतलब उपदेश देना, तो सर्मन का मतलब भी उपदेश देना होता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा है 10th क्लास में, सर्मन एट बनारस, सर्मन का मतलब उपदेश। एक्सप्लेन करना है, माई माइंड वॉज रियली माइंड, इट मीन्स नाउ पॉइट कैन थिंक इंडिपेंडेंटली, हिज आइडियाज़ आर हिज ओन। अब जो पॉइट है वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, उसकी अपनी विचारधारा है, उसके अपने विचार हैं, अपने विचारों के अनुसार वो अपनी ज़िंदगी अब जी सकता है। पॉइट का चाइल्डहुड कहाँ चला गया? इट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। छोटे बच्चों के जो फेस है उसमें बचपन जाके छुप गया है। बेटा टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोन अप? ये जो ग्रोइंग का जो पीरियड होता है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इनोसेंस इज लॉस्ट। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा भोलापन खत्म हो चुका होता है। अ पर्सन बिकम्स रैशनलिस्ट, ईगोइस्ट एंड हिपोक्रिट। और धीरे धीरे जो इंसान है वो रैशनलिस्ट बनता है, मतलब उसकी सोचने विचारने की शक्ति में ग्रोथ होता है, उसकी तर्कशीलता बढ़ती है, वो अहंकारी बनता है और वो हिपोक्रिट भी बनता है, और उसका भगवान के ऊपर से यकीन उठ जाता है। और अब वो बातें तो प्यार की करता है लेकिन प्यार उसके कार्य में कहीं दिखाई नहीं देता। बातें वो प्यार की करता है लेकिन उसके कार्य में नफरत नज़र आता है। और उसके बाद जो इंसान है वो बस अपने बारे में सोचता है, वो ग्रीडी बन जाता है। और धीरे धीरे जो उसका भोलापन है वो ख़त्म हो जाता है। उसको पता चलता है कि हेवन और हेल अब है ही नहीं। तो इस प्रकार जो प्रोसेस है ग्रोइंग अप का वो इस प्रकार होता है। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इनोसेंस इज लॉस्ट, अ पर्सन बिकम्स रैशनलिस्ट, ईगोइस्ट एंड हिपोक्रिट, ही लूजेस फेथ इन गॉड, ही टॉक्स ऑफ लव बट डजेंट फॉलो इट, ही बिकम्स कॉन्सियस ऑफ हिज ओन सेल्फ इवेंचुअली, हिज इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड इज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वट डज हेवन एंड हेल स्टैंड फॉर? इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेटिव माइंड्स टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। सो बेटा जो हेवन और हेल होता है ये हमारी इमेजिनेशन होता है, ये हमारी कल्पना की देन है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो इंसान कल्पनाशील होते हैं, जो उनकी कल्पना शक्ति में वो कुछ भी सोच लेते हैं, लेकिन हकीकत में हेवन और हेल हमारी इमेजिनेशन है, ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते। वट इज़ द पॉइंट्स फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड? द पॉइंट फील्स दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, इट इज़ पीरियड ऑफ इनोसेंस, He believes that there is hell and heaven. He is honest in his actions. He has no ego. Hence, childhood has innocence, sacredness, and readiness to accept anything. So, poet के according childhood यही है बेटा, जिसमें वो उसकी जो innocence है, innocence में वो यकीन करता है कि hell and heaven है, वो बहुत ईमानदार होता है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता, और बचपन में जो भी उसको कहो वो हर चीज़ मानने के लिए रेडी होता है, वो बहुत पवित्र होता है और बहुत भोला होता है। यह है हमारा बचपन। वट आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड वाई? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। अबव आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एज दिस ब्यूटिफुली सम अप प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड। Perhaps childhood is hidden behind children's face, children's smile.
इस पूरी पोयम में जो ये लास्ट की तीन लाइन है ये सबसे पोएटिक है, क्योंकि पूरी पोयम का जो सार है वो इन तीन लाइंस में हमें पता चल रहा है। और यह पता चल रहा है कि जो जो चाइल्डहुड है वो बच्चों की मुस्कुराहट के पीछे कहीं छुपा हुआ है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो नोट्स हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर से पसंद आए होंगे। बेटा आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू।